गया के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 7 अगस्त 2022 को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाद्य सामग्रियों पर भी जीएसटी, सुखाड़ बाढ़ आदि मुद्दों पर महागठबंधन का विशाल प्रतिरोध मार्च स्थानीय गया गांधी मैदान में निकाला गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रोफेसर विजय कुमार मिठू ने कहा कि महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बिहार सरकार बेलागंज विधायक डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बिहार सरकार अवधेश कुमार सिंह के साथ अन्य लोग शामिल थे। नेताओं के आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी, भ्रष्टाचार, सुखाड़, बाढ़ आदि मुद्दों पर हल्ला बोल में उमड़ा जन सैलाब से प्रमाणित होता है कि आमजन मोदी नीतीश सरकार से त्राही त्राही कर रहे हैं। बेरोजगार युवा आत्महत्या को मजबूर है। मध्य दक्षिण बिहार में सुखाड़ एवं उत्तर बिहार में बाढ़ से किसान तबाह हैं। नीतीश सरकार बिजली बिल माफ करने की वजह डीजल अनुदान का ढोंग रच रही है। नेताओं ने कहा कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की अकूक संपत्ति नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस की पोल खोलती है तथा आरसीपी टैक्स की बात को प्रमाणित करती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।